सुप्रभात बच्चों, बच्चों हमने अभी तक पाठ दो जैसी करनी वैसी भरनी में पढ़ा कि कमल विमल के रास्ते में एक पत्थर रख देता है। और विमल कौन है बच्चों? विमल एक नेत्रहीन बालक है। तो जो कमल होता है वो विमल के रास्ते में एक पत्थर रख देता है जिससे वह नेत्रहीन विमल गिर जाता है और सभी बच्चे हंसने लगते हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं क्या होता है। आयुष, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, एक तो उसे गिरा दिया और ऊपर से हंसी उड़ा रही हो। शर्म शब्द का अर्थ होता है बच्चों लज्जा आना। और कमल, मैं तुम्हारी माँ को बताऊँगा। चलो विमल, तुम्हें घर छोड़ दूँ, तुम्हें चोट लगी है, कुछ दवा लगानी होगी, लो छड़ी पकड़ लो और मेरा हाथ भी। दोनों जाते हैं, कौन कौन? आयुष और विमल, क्योंकि आयुष ने कमल को कहा कि तुमने इसे गिरा दिया है, मैं तुम्हारी माँ को बताऊँगा। और वो विमल को कहता है कि तुम्हें चोट लगी है, तुम्हें दवा भी लगानी होगी, लो छड़ी पकड़ लो और मेरा हाथ भी पकड़ लो। अमन, अरे इधर आसमान को तो देखो कैसे काला काला दिखाई दे रहा है। अमन नाम का जो बच्चा है वो कहता है कि आसमान की तरफ देखो कि कैसे बादल उमड़ उमड़ कर आ रहे हैं। जीवन, जो एक बच्चे का नाम है, वो भी लगता है बादल आ रहे हैं। असलम, नहीं नहीं यह काली आंधी है, भागो घर भागो। सभी भागते हैं और तेज हवा का झोंका, फिर आंधी आ जाती है। यानी कि सभी बच्चों को ऐसे लगता है कि मौसम ख़राब हो रहा है और हमें घर चले जाना चाहिए। फिर कमल कहता है, मेरा घर तो दूर है, मैं कैसे पहुंचूंगा? दौड़ते हुए, ओह ओह यह क्या, अरे मेरी आंखों में कितनी मिट्टी घुस गई है, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। विमल अपने घर के दरवाजे पर आयुष के साथ खड़ा था। यानी कि जो कमल है उसकी आंखों में मिट्टी घुस जाती है और जो वो रास्ते से जा रहा था और उस रास्ते में विमल अपने घर के दरवाजे पर खड़ा था। आयुष कहता है कमल को भागते हुए देखकर, कमल आओ थोड़ी देर विमल के घर ही रुक जाओ, तब आंधी रुकेगी तो अपने घर चले जाना। कमल कहता है नहीं नहीं मैं घर जा रहा हूँ। आंधी में ही कमल अपने घर पहुँच जाता है। कमल कहता है माँ माँ दरवाज़ा खोलो। माँ दरवाज़ा खोलते हुए, इतनी देर कहाँ तक कहाँ थी, आंधी तूफान का भी ध्यान नहीं। कमल कहता है माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मेरी आंखों में मिट्टी भर गई है। तो कमल कहता है माँ मेरी आंखों में बहुत दर्द है और खुल भी नहीं रही हैं। क्यों खुल नहीं रही हैं बच्चों? क्योंकि आंधी आई थी और आंधी की वजह से उसकी आंखों में मिट्टी चली गई थी और इसलिए उसकी आंखें नहीं खुल रही थी। माँ कहती है घबराओ मत बेटा, अभी मैं डॉक्टर चाचा को फ़ोन करती हूँ कि आंधी रुकते ही वो यहाँ आ जाएंगे और देख लेंगे कि तुम्हारी आंखों में क्या दिक्कत है। माँ फ़ोन करती है, आंधी रुकने के कुछ देर बाद डॉक्टर चाचा आ जाते हैं। यानी डॉक्टर चाचा आ जाते हैं और कमल का इलाज करते हैं। डॉक्टर कहते हैं राहत की सांस लेते हुए कि मैंने कमल की आंखों को साफ करके उसमें दवा डाल दी है और पट्टी भी लाया हूँ, बांध देता हूँ, यह अब आराम करे। ये सब डॉक्टर कमल की माँ को कह रहे हैं। माँ और डॉक्टर चले जाते हैं। कमल कहता है मन ही मन सोचता है कि विमल का घर पास ही है। कौन विमल? वो नेत्रहीन बालक जिसके रास्ते में कमल ने पत्थर रखा था। क्यों न उससे क्षमा मांग लूँ, क्षमा मांग लूँ यानी कि माफ़ी मांग लूँ, मैंने ठीक नहीं किया उसके साथ। यानी कि अब कमल को अफसोस हो रहा है कि मैंने विमल के साथ ठीक नहीं किया और वो मन ही मन सोच रहा है कि क्यों ना मैं कमल से माफ़ी मांग लूँ। तो देखते हैं बच्चों अभी तक बच्चों की कमल को कैसा लगा, और मुझे लगता है कि आपको भी ये पाठ यहाँ तक समझ आ गया। धन्यवाद।